आजमगढ़ में दीपावली के त्योहार को लेकर पटाखों की दुकान सज गई है। प्रदूषण, कोविड 19 महंगाई की वजह से खरीदारों और ग्राहकों में फिलहाल मायूसी दिख रही है। फिर भी दो दिन में अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाकर यहां दुकानदार बैठे हैं। वहीं प्रशासन ने तमाम नियम शर्तों के साथ 52 पटाखों के दुकानों पर आजमगढ़ शहर के DAV व ITI मैदान में और इक्का दुक्का अन्य स्थानों पर दुकानों को लगाने की अनुमति दी है। यहां पर उन्हीं आतिशबाजियों की बिक्री होगी जो ग्रीन पटाखों की श्रेणी में आते हैं। दीपावली के त्योहार पर पटाखों के साथ खुशी मनाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इस साल लोगों को कोविड की वजह से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पटाखों की बिक्री पर भी इसका असर पड़ा हुआ है। NGT के नियमों में सख्ती के चलते पटाखों की दुकानों का संचालन करने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। बावजूद इसके आजमगढ़ में DAV कॉलेज के मैदान में पटाखों की दुकानें लग गई हैं और वहां से पटाखों की बिक्री तो शुरू हुई है, लेकिन खरीदारों में पिछले साल की तुलना में उत्साह कम देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपावली पर पटाखों की रस्म अदायगी के चलते धीरे धीरे दुकानों के क्षेत्र में चहल पहल दिखने लगी है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा। दुकानदार हूं आप जी? इस बार कोरोना और महंगाई का कितना असर है दुकानदार? सर देखिए, आज से दुकान लगना चालू हुआ है। अब ये शाम का इंतजार है, वैसे भी परमिशन मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आज परमिशन मिला है। अब फिलहाल बहुत दिक्कत है अभी साल, लेकिन अब देखते हैं शाम तक और कल तक क्या परफॉर्मेंस मिलता है। लोगों का बजट कम है, बहुत बजट कम है, और कुछ ऐसा है कि कुछ माल भी नहीं मिला है, सामान भी नहीं मिला है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वंदना कश्यप है और आई एम टीचर इन द प्राइवेट स्कूल। आज आप लाए हैं पटाखों में, क्या आपको देखने मिला? कोरोना का असर है या नहीं? महंगाई का क्या असर यहाँ देखने को मिला? असर तो बहुत है, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं है। लोग त्योहार को उसी उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं, अपनी सेफ्टी के साथ, लेकिन लोग अपने जितना उनका बजट है, जितना उनका पैसा है, उसी में वो खुश रहना चाहते हैं। अब देखिए, बाजार दुकानें बहुत सारी लगी हैं और लोग भी बहुत आएंगे लेने के लिए, लोग उसी मैनेज कर रहे हैं। क्या नाम आपका भैया? प्रेमचंद निसार। दुकानदार हैं आप? हाँ, यही दुकानदार हैं। ये बताइए कि इस बार कोरोना का क्या असर है दिवाली पे और महंगाई का कितना असर पड़ा? कोरोना का तो बहुत असर है, अब महंगाई तो चरम सीमा पे चली गई है। 70% असर है। तो अब तक बिक्री करीब मजे की हो जाती थी, लेकिन अब तक 2-4 हजार की ही बिक्री हुई है। बाबू, क्या नाम आपका है? जीतकर्ष पांडे। अच्छा, पटाखा आप लेने आए हैं, तो ये कितना असर इस बार है कोरोना और महंगाई का, या आप लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं? नहीं, उत्साह में कमी है, बिल्कुल है, क्योंकि इस साल कोरोना है। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, सबका बजट लो इस टाइम सर चल रही है प्रॉब्लम थोड़ा, तो इस साल हम लोग ज़्यादा महंगे पटाखे नहीं ले रहे हैं। सर, लगभग कितने पटाखों की दुकान का लाइसेंस हुआ है? देखिए, अभी तक जितने हमारे पास जांच आख्याएँ आई हैं विभिन्न थानों से, उनके अनुसार 52 जो हैं लाइसेंस जो अस्थायी रूप से दिए जाते हैं वो दिए गए हैं। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, क्योंकि दिवाली के दिन तक कुछ लोग 2 दिन की, कुछ लोग 3 दिन की मांगते हैं, तो जैसे जैसे जांच प्राप्त हो रही है वो दी जा रही है। प्रमुख तौर पर जो 40-50 दुकानें हैं वो DAV में और ITI में, ये 2 मेन जगहों पर लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ इतर दुकानें जो अस्थायी रूप से लगाई जाती हैं, उनके लिए भी परमिशन दी जा रही है। सर, कोरोना को देख के क्या गाइडलाइन दिया गया है? देखिए, कोरोना में एक तो कोरोना है, ऊपर से NGT और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस हैं। दोनों के अनुसार जो विस्तृत दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो गोले बना के रखेंगे अपने जो भी दुकान परिसर के बाहर है। इसके अतिरिक्त केवल और केवल ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति दी जा रही है, यानी कि जिनमें लिथियम, बेरियम, किसी प्रकार के ऐसे सॉल्ट ना हो, उनकी जो आवाज़ है वो 145 डेसिबल से कम हो ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, और उन्हें 50 मीटर तक कोई 50 मीटर यानी कि जनता जहाँ खड़ी होती है वहाँ से 50 मीटर तक कोई डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे जहाँ वो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे वहाँ फ्यूज रहे, ये सभी बहुत ही आधारभूत व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी तरह का वहाँ विस्फोट ना हो या कोई अन्य घटना ना हो, जैसे पिछले वर्ष भी यहाँ हो गई थी। अब न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।